नमस्ते साथियों, आप मेरे हाथ में एक पत्र देख रहे हैं और साथियों यह पत्र अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में है जो अभी हाल ही में 13 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। और साथियों इसमें अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन बिंदुओं को जानते हैं समझते हैं। साथियों यह पत्र जनजाति कार्य विभाग का है, ठीक है, और इसमें जो ब्यूरो दिया गया है और इसकी जो विषय वस्तु है कि शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत जो विवरण देखिएगा कि विषयांतर्गत लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 29 सितंबर 2014 में शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में एक जाए निर्देश जारी करते हुए खंडिका 5.1, 5.4 में निम्नानुसार प्रावधान निहित किए गए हैं। अब साथियों प्रावधान क्या है देखिएगा, खंडिका 5.1 में जो प्रावधान है ये है कि अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता, अर्थात जिसे अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होना है उसकी योग्यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त निम्नतर पद, यानी जहां यदि खाली है और निम्नतर यानी छोटे छोटे जो पद है पर दी जाएगी, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 ने लिपिक वर्ग 3 जो है वो, या समकक्ष पद इसके अलावा, ठीक इसी के समकक्ष पद, या फिर संविदा सहायक शिक्षक इस पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जो वेतनमान की बात की गई है यहाँ पर 3,500 से 5,200, फिर बाद में यहाँ बताया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पत्र को भी कि 5,200 से 20,200 और 2,100 का ग्रेड पे है तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिका पदों, लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के पदों को छोड़कर, लोक सेवा जो आयोग है उसके जो कार्य क्षेत्र में जो पद आते हैं उनको छोड़ करके पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। यहाँ स्पष्ट किया गया है इसमें वार्ड बॉय हो सकता है हॉस्पिटल के लिए, पटवारी हो सकता है, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पंजीयक लिपिक हो सकते हैं यानी कार्यपालिक, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, तकनीकी पद पर भी शामिल हैं, बशर्ते आवश्यक तकनीकी योग्यता रखते हो तभी उनको तकनीकी पद भी प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा कहा है। फिर खंडिका 5.4 में जो कहा गया है वो ये है कि तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद की अर्हता होने पर सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी पद पर की जाएगी। यदि योग्यता नहीं रखते तो चतुर्थ पद की जो श्रेणी के पद जो है उन पर नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2014 को जारी परिपत्र अनुक्रम में दिनांक 1 फरवरी 2023 द्वारा जारी निर्देश में खंडिका 5.1 में निर्देशानुसार प्रावधान निहित किया गया है। फिर देखिएगा खंडिका 5.1 में जो संशोधन किया गया है वो संशोधन क्या है वो देखिएगा। इस संविदा सहायक शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक विज्ञान शिक्षक से प्रतिस्थापित किया जाए। साथियों जो 29 सितंबर 2014 में सामान्य प्रशासन विभाग का अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में जो पत्र है उस पत्र में खंडिका 5.1 में जैसे कि मैंने आपको पढ़कर बताया कि संविदा सहायक शिक्षक पर जो भर्ती की जाएगी आप उसको क्या किया जाएगा सीधे प्रतिस्थापित करते हुए प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक या प्राथमिक विज्ञान शिक्षा के रूप में किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यह निर्देश जारी होने की तिथि से लागू होंगे, यानी जब निर्देश जारी हुआ है उसी तिथि से ये लागू होगा, ठीक है। तो इस साथ ही इस पत्र में जो महत्वपूर्ण जानकारी है अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में दी गई है उसको इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक प्रेषित किया है। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।